रचना शर्मा देश विदेश में बैठे अपने सभी दर्शकों को अपनी और अपने चैनल चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से सभी को दीपावली के महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। हिंदुओं के महापर्व में से एक प्रमुख त्यौहार दीपावली का त्यौहार आज देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। ये त्यौहार हर साल केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के भारतीय समुदायों में विशेष आनंद और उत्सव के साथ मनाया जाता है। दीपावली शब्द का अर्थ होता है दीपों की श्रृंखला। यह शब्द बना है दीप और आवली को जोड़कर, जिन्हें संस्कृत भाषा के शब्दों से लिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और जिन घरों में अच्छी साफ सफाई, सजावट और पूजा पाठ होता है वहाँ पर आकर निवास करती हैं। दीपावली का यह त्यौहार हर घर में खुशियों की सौगात लाता है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। यूं तो दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है जहां हर एक दिन का एक अलग महत्व है, लेकिन आमतौर पर 2 दिन सबसे खास होते हैं, छोटी दिवाली और दिवाली। पहले दिन के उत्सव को धनतेरस कहा जाता है। यह दिन नई चीजें खासकर सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि यह दिन बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। दिवाली यानी कि तीसरे दिन रावण को हराने के बाद भगवान राम की अपने राज्य अयोध्या में वापसी का जश्न है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। भैया दूज दिवाली का 5वां और अंतिम दिन है। यह भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाने का दिन है और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। दिवाली का त्यौहार अक्टूबर के मध्य से नवंबर के मध्य में पड़ता है। दीपावली कार्तिक माह के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन श्री राम लंकापति रावण को हराने के बाद अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने भगवान के आने पर वहां घी के दीपक जलाए थे और तब से लेकर आज तक हर साल दीपावली के दिन देश भर में दिवाली के मौके पर दिए जलाए जाते हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों में साफ सफाई करनी शुरू कर देते हैं। घरों को साफ किया जाता है और घर के हर कोने को दीपक, फूलों और रंगीन रंगोलियों से सजाया जाता है। लोग स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां बनाते हैं और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। दिवाली परिवारों और दोस्तों के एक साथ आने और जश्न मनाने का समय है। लोग घरों में रंगीन मिट्टी के दिए जलाते हैं जो प्रकाश और आशा की विजय का संदेश देते हैं। इस दिन लोग उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली की रात यानी इस पूरे त्योहार के मुख्य शाम को लोग धन और समृद्धि की देवी देवता और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं। दिवाली मनाने का एक और कारण ये है कि ये भारत के कई हिस्सों में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। दिवाली उत्सव देवी लक्ष्मी की मुक्ति का भी प्रतीक है, जिन्हें राजा बलि ने कैद कर लिया था। भगवान विष्णु ने भेष बदल कर उन्हें राजा से बचाया, जिससे कई क्षेत्रों में दिवाली का हर्षोल्लास मनाया जाने लगा, क्योंकि यह लोगों के घरों में पूजने देवी लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। लोगों का मानना है कि माता उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यूं तो कई दशकों से दिवाली को पटाखे और आतिशबाजियों से मनाया जाता है, लेकिन 21वीं सदी में पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आपसी प्रेम का त्यौहार भी है। यह परिवारों को एक साथ लाती है, खुशियां फैलाती है। हाल ही के वर्षों में दिवाली उत्सव के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी है। लोग अब त्योहार मनाने के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग करने के बारे में अधिक जागरूक हैं। पर्यावरण अनुकूल दिवाली, जिसे हरित दिवाली के रूप में भी जाना जाता है, दिवाली त्योहार को मनाने के लिए एक पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण है। इसमें पारंपरिक दिवाली प्रथाओं से जुड़े हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना शामिल है। बिजली की खपत कम करने के लिए लोग बिजली की रोशनी की बजाय पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे मिट्टी के दीयों का उपयोग करना चुनते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी, जो कम प्रदूषण और शोर पैदा करती है, यह काफी लोकप्रियता हासिल कर रही है।
इस बार अयोध्या में भी दीपावली का पर्व एक विशेष अंदाज में मनाया जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार है जब रामलला अपने भव्य मंदिर में दीपावली मना रहे हैं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज राम मंदिर अनगिनत दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को दीपोत्सव के लिए भव्य रूप से सजाया गया है। सरयू के घाटों पर लाखों दिए प्रज्वलित किए गए हैं और इस वर्ष अयोध्या में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। राम मंदिर की भव्यता दीपों और कृत्रिम रोशनी के बीच देखने लायक है। यह दृश्य करोड़ों राम भक्तों के लिए एक सपना सच होने जैसा है। इससे पहले राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सजाया गया था, जिसने दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित किया था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करोड़ों भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त यहां आकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को आकर्षक फूलों से सजाया गया है और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए विशेष मोम के दीपक जलाए जा रहे हैं, जिससे कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। दीप और कृत्रिम रोशनी में नहाया राम मंदिर अद्वितीय आभा बिखेर रहा है, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इस बार सरयू तट पर 25 लाख दिए जलाए गए हैं, जिससे यह दीपावली निश्चित रूप से अविस्मरणीय हो गई है। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। दीपावली के इस पावन अवसर पर आपके घर में धन सुख और शांति का आगमन हो। शुभ दीपावली। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय द सिंगला ऑफिस बेकर्सफील्ड फॉर ऑल योर इमिग्रेशन फैमिली लॉ नीड्स। Call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile or scan QR code to contact us. Flankbird Truck Repair, Trust We Build in Truck Repair or scan QR code to contact us. The Masala Twist Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine or scan QR code to contact us. Pizza Twist Taste We Twist order today. Call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered, California, certified agency manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.